हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ हबसेक में। इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 22 भाग। ठीक है, देखिए इसमें मैंने पूरे भाग को नहीं डिस्कस किया, लेकिन वो भाग डिस्कस किया है जो एग्जाम से बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो, या आपके बैंकिंग को छोड़ के सारे वनडे एग्जाम, इन सबसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने पॉलिटी में आपके दो चीजें ऑलरेडी डिस्कस की है। इसमें आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, जो कि उस पर बहुत सारे ट्रिक के साथ में मैंने बताया है। वो काफी वीडियो लोगों ने देखा है, लगभग 1000 से ज्यादा लोगों ने देखा है। और साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को डिस्कस किया है। तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट को। तो फ्रेंड्स, इस श्रृंखला में ये पूरे लगभग हमने लगभग 15 से ज्यादा भाग को डिस्कस किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और सबसे पहले मिलता रहे। फ्रेंड्स, अभी 6000 आपके यूपी राजस्व लेखपाल की भर्ती आने वाली है, प्रशासन द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही साथ आरआरबी, एनटीपीसी जैसे कई सारे एग्जाम के लिए हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, तो चैनल से जरूर जुड़े रहे। तो चलो फ्रेंड, इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें है भाग एक। ठीक है फ्रेंड, उसके पहले मैं बता दूं टोटल भाग आपका कितना है, 22 है। ठीक है, और अगर क्लॉज को मिला जाए, जैसे 4 का क में है, 9 का क, 9 का ख, इन तीनों को मिला जाए सब क्लॉज के साथ में, तो टोटल भागों की संख्या 25 हो जाती है। लेकिन ऑलरेडी आपको जो मतलब ओरिजिनल में है तो वो आपके 22 है। आर्टिकल बार बार याद आ जा रहा है, जैसा कि क्योंकि इसमें जो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, चाहे आप अनुच्छेद पढ़े, चाहे आप अनुसूची पढ़े, चाहे वो भाग पढ़े, इन तीनों में एक ही चीज मेंशन किया गया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। आगे डिस्कस करते हैं नागरिकता। देखिए साथ साथ में आपको ये चीज भी देखते जाना है, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है, मैंने इसको इसलिए डायग्राम के थ्रू समझाया ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। दूसरे भाग में है आपका नागरिकता का प्रावधान किया गया, जो कि अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच में, चाहे वो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने की नागरिकता हो, चाहे पाकिस्तान से भारत आने की नागरिकता हो, नागरिकता की विधि हो, किस तरीके से पंजीकरण से, जनसंख्या से, चाहे जिस तरीके से भू क्षेत्र मिलाने से नागरिकता, ये सबका सारा का प्रावधान किसमें किया गया, आपके भाग 2 में किया गया। नेक्स्ट है आपका मौलिक अधिकार। फ्रेंड देखो, मैंने कुछ पार्ट को सर्किल किया है, अभी मैं बताऊंगा क्यों सर्किल किया है, ये क्यों इतने ज्यादा रेलिवेंट है एग्जाम से। अगला आता है आपका मौलिक अधिकार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 12 से लेके 35, चाहे वो राज्य से संबंधित हो, चाहे वो समता का अधिकार हो, चाहे आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, चाहे वो आर्टिकल 15 हो, मतलब जाति धर्म लिंग आदि के भेद पे प्रतिषेध का अधिकार हो, ये सब सारी चीजें इसमें आपको दी गई है। ठीक है, ये जो आपका मौलिक अधिकार है, ये आपका यूपीएससी, यूपीपीएससी और सारे वनडे एग्जाम का फेवरेट होता है। तो 12 से पहले आपको 35 के बीच में एक भी क्वेश्चन, एक भी अनुच्छेद को ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4। ठीक है, भाग 4 इसमें दे रखा है आपका नीति निदेशक तत्व, आर्टिकल 36 से 35, मतलब 51 के बीच में। नीति निदेशक तत्व के बारे में 2 क्वेश्चन हमेशा से बनते हैं कि ये कहां से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछता है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें पूछा जाता है कि न्यायालय में किस कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है, तो ये आपका आता है नीति निदेशक तत्व में। आगे डिस्कस करते हैं 4 का क, ये ऑलरेडी मैंने मतलब जब अनुच्छेद डिस्कस किया तो उसमें बताया था कि कौन के क में जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, ठीक है, सॉरी 1976 के द्वारा जोड़ा गया है इसको, और इसको स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे जोड़ा गया था। ठीक है, तो देखिए इनको मैंने एक साथ किया है, क्योंकि ग्रुप में ही आपको याद कर रहा है 1, 2, 3, 4 और 4 का। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। आगे डिस्कस कर लेते हैं, ये का ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑलरेडी आपको जानना है संघ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने 7 को नहीं डिस्कस किया है, 7 के बारे में मैं आपको बता दूं, 7th जो भाग है वो आपका निर्दिष्ट कर दिया गया है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ठीक है, 1956 और 7वां संविधान, ये याद करने में आपको काफी आसानी होगी, तो इसको देख लीजिएगा, इसके थ्रू इसको निर्दिष्ट कर दिया गया। 8वें में आपका है संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, ऑलरेडी आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं भाग 9 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी मैंने सर्किल किया हुआ है। तो पंचायतें हैं, इसको इसमें डिस्कस किया है 239 से 242 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भाग 9 का क और 9 का ख, ये सब क्लास के रूप में जोड़े गए हैं, जिसमें 9 का क में आता है आपका नगर पालिका और 9 का ख में आता है सहकारी समिति, जिसको आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, आर्टिकल 243 में ये दोनों है। ठीक है, इसलिए मैंने इनको साथ में कर दिया था। भाग 10 जो है आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए है,
आर्टिकल किसमें है 244 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भाग 11 संघ राज्य संबंध है, जो कि आपका आर्टिकल 245 और 263 के बीच में, ठीक है। देखिए जिन पे मैंने सर्किल किया है उनको आपको तीनों चीजें जाननी है, ठीक है, तीनों चीजें जाननी है, और जिन पे सर्किल नहीं किया है उनका जरूरी नहीं कि आप अनुच्छेद आपको याद करना है, ठीक है। आर्टिकल जो 15 है, सॉरी भाग जो 15 है उसमें निर्वाचन है, और निर्वाचन के बारे में मैंने बताया था, जैसे आप 18 ईयर्स के होते हो तभी आपको वोट करने का राइट मिलता है, और इसी का स्क्वायर करोगे तो आर्टिकल 324 आता है। ऑलरेडी मैंने इन सब ट्रिक को डिस्कस किया है आपके अनुच्छेद में, ठीक है। अनुच्छेद का जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उसको वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका राजभाषा से संबंधित भाग 17, ठीक है। ये आपका 343 है, ये वाला कई बार पूछा जा चुका है, इनको देख लीजिएगा, 343 से 351 के बीच में। नेक्स्ट है आपका भाग 18 आपात उपबंध के बारे में, 352, 356, 360, ठीक है। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, पूरी डिटेल में बताया है, तो बार बार मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। नेक्स्ट है आपका भाग 20, ठीक है, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 दक्षिण अफ्रीका से यह लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला वीडियो होगा वो पूरा बेस्ड होगा कौन सी चीज कहां से ली गई है और साथ ही अनुसूची के बारे में, ठीक है। लेकिन ये आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिकैप करूंगा, पहले में आपका संघ राज्य क्षेत्र है, दूसरे में आपका क्या है नागरिकता है, तीसरे में मौलिक अधिकार है, चौथे पे आपका नीति निर्देशक, और चार का क्रम में जोड़ा गया है आपका मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आर्टिकल 51 में है, आपके पांचवे में है आपका संघ, छठवें में आपका राज्य, और आठवें में आपका संघ राज्य क्षेत्र, नौवें में देखने को मिल जाता है आपको पंचायत, नौ का क में मिल जाता है आपको नगर पालिका, नौ के ख में सहकारी समितियां, भाग दस में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति क्षेत्र मिल जाते हैं, भाग ग्यारह में आपका हो जाता है संघ राज्य संबंध के बारे में, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। भाग 15 में आपका निर्वाचन मिल जाता है, भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में आपात उपबंध, भाग 20 में संविधान संशोधन। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑलरेडी मैंने पूरा नहीं डिस्कस किया लेकिन सबसे ज्यादा जो रेलेवेंट है एग्जाम से लेके उसको डिस्कस किया है। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार जो सर्किल वाला है उसको जरूरी मतलब दो तीन बार रिवाइज करके जाइएगा, ऑलरेडी मैक्सिमम टाइम में वही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल से सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएगा, टेलीग्राम का भी ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इन सबकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे अवेलेबल हो जाती है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।